आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुकमा में हुई मुठभेड़ कई मायनों में बाकी मुठभेड़ों से जुदा थी। नक्सलियों के मिलिट्री गढ़ में पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पुलिस को मिली सूचना एकदम पुख्ता थी, मगर खतरे भी उतने ही पुख्ता थे। मृत नक्सली और डीआरजी जवानों के शव लाते जवानों पर नक्सली फायरिंग कर रहे थे। एक समय तो फोर्स को भी लगा कि कहीं नक्सलियों के घेरे में ना आ जाए। सुकमा के जंगलों में सीधी मुठभेड़ खत्म हो चुकी थी। नक्सलियों के मिलिट्री एरिया में मिलिट्री बटालियन से दो दो हाथ कर पुलिस फोर्स ने धावा बोला और 8 माओवादियों को मार गिराया था। नक्सलवादियों और 2 शहीद डीआरजी के जवानों के शव सहित जब्त हथियार और सामानों को लाना एक बड़ी चुनौती था। धीरे धीरे सूरज ढलने को था। फोर्स पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। नक्सली अब भी रुक रुक कर फायर कर रहे थे। ऐसे में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को नक्सलियों ने गढ़ में उतारना बहुत बड़ी चुनौती थी। हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने धुआं भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने पर हेलीकॉप्टर पर हमला हो सकता था, नक्सलियों को फोर्स का ठिकाना पता चल सकता था। ऐसे में एयरफोर्स के जांबाज पायलटों ने अपना जौहर दिखाया, बेखौफ नक्सलियों की मांद में ही सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसके पहले ही नक्सली दोबारा वहां पहुंचते सभी साजो सामान सहित 10 शवों को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। डीआरजी के जावाजों की सुरक्षा घेरे में यह लैंडिंग कराई गई। अमूमन कोबरा या सीआरपीएफ की 500 मीटर के सुरक्षा घेरे में ही हेलीकॉप्टर उतारा जाता है, मगर इस बार हालात बिल्कुल उलट थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।